नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र मिस, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर है। आज हमारे साथ हैं कंधार हाईजैक की टीम। कैसे हैं सर आप लोग? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। तो मैंने अभी 3 एपिसोड देखे जो है, और देखने के बाद लगा कि और इसे देखना चाहिए काफ़ी मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी घटना है सबको पता है क्या हुआ, लेकिन जिस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया जो है एक दिलचस्पी बनी रहती है। तो आपको कब लगा कि इस विषय पर जो है इतने विस्तार में कहानी को कहनी है? वो मुझे नेटफ्लिक्स से आदेश आया कि ये सीरीज बनानी है, वे लोग इस पर कुछ समय से काम कर रहे थे, तो मैं नहीं था, राइटर प्रशांत, प्रोड्यूसर सरिता पाटिल, नेटफ्लिक्स मोनिका और बाकी क्रिएटिव टीम तानिया तो एक पॉइंट पे, एक समय पे, एक मुकाम पे इनको ऐसा लगा कि अब डायरेक्टर की आवश्यकता है, तो मुझे बुलाया गया, तो मैं आया। तो ये बात है आई थिंक जून जुलाई 2022 की, हाँ 21 की बात है, जून जुलाई 21 की। फिर मैंने पढ़ा तो वो ये जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी पहले, वो कैप्टन की किताब पर आधारित थी। तो कैप्टन की किताब जाहिर है वो एयरक्राफ्ट के अंदर की ही बात करती थी, बिल्कुल, पर उसको पढ़ते हुए ऐसा लगता था कि नीचे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये प्लेन काठमांडू से क्यों हाईजैक हुआ, ये कांधार क्यों जा रहा है, कांधार क्या कनेक्शन है। कांधार के बारे में हिंदुस्तान में जो एक ज्यादा बड़े स्तर पर जानकारी आई वो इस हाईजैक के बाद आई। मुझे जानने की अगर इच्छा हो रही है, कौतूहल है मुझे इसका, तो आम जनता को भी होगा। तो फिर मैंने मोनिका से, तानिया से सबसे बात की, और मैंने कहा कि अगर हम इसको थोड़ा खोलें तो, बिल्कुल, तो खोलें तो फिर समझ में आया कि जैसे ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, और उस वक्त मुझे भी लगता था कि मुझे इस घटना के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन जब उसके अंदर जाना शुरू किया तो ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ नहीं मालूम था, बहुत बेसिक बातें मालूम थी कि काठमांडू से कांधार जा रहे थे, उसके हमारे एक आदमी की हत्या हुई, बाकी लोगों को छोड़ दिया, 3 लोगों को छोड़ना पड़ा, ऐसा मोटा मोटा मालूम है। अमृतसर में भी कुछ हुआ था ऐसा, लेकिन जब उसके डिटेल में गए तो अमृतसर में जो हुआ वो क्यों हुआ, कांधार में जो हुआ उसमें क्या क्या हुआ, 7 दिन अगर लगे तो बहुत कुछ हुआ होगा ना, ऐसे 7 दिन बैठ के लोग चाय तो नहीं पी रहे होंगे, पूरी ब्यूरोक्रेसी। फिर हमने उस सबको भी इंक्लूड किया इसमें, और वो जो आपने देखा वो जी, वो है अमृतसर का जो जिक्र आता है जो है, तो इस जब आपने रिसर्च किया होगा तो आपको लगा कि वहाँ उस घटना को रोका जा सकता था? मुझे जो कहना मैंने कह दिया सीरीज, हाँ वो तो खैर, हाँ तो अब मैं उसके बारे में इंटरव्यू में क्या है ना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि अधूरी रह जाती है बात, क्योंकि उसमें डिटेल है भाई, ये बात तो पता है हमको कि प्लेन वहां से उड़ गया और हमको रोक देना चाहिए था, ये तो एक आम धारणा है, जानकारी है। वो सारा कुछ आपको जब तक पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे तो उसके बारे में ऐसा एक लाइन में बात करना वो चाय की दुकान की गब्बाजी जैसी हो जाती है। बिल्कुल विजय जी, जब आपको इस किरदार के बारे में बताया गया, जैसे आप उसमें बोलते हैं कि प्लेन नहीं, इस समय जो है ट्रक चला रहा हूँ, तो उस किरदार को लेकर क्या था आपके जहन में, क्या सबसे पहली बात क्या आई थी? आई थिंक सबसे पहली बात किरदार को लेकर नहीं आई थी, इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का बहुत बड़ा कारण सर है यहाँ पर, अनुभव सर, इनके साथ काम करने की बहुत इच्छा थी, और इन्होंने जो नाम सुनाए थे पिच में मुझे, वो तो उसमें सारे सुनाने की ज़रूरत नहीं थी, 2 नाम सुनाते तो मैं हाँ बोल देता जिनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं एक्चुअली मैं सीखने के लिए आया था चीज़ें यहाँ पर, और इस किरदार का आई थिंक मेरे लिए द नॉवल्टी वॉज दैट आई एम गेटिंग टू प्ले माई फर्स्ट रियल लाइफ कैरेक्टर बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ अनसंग हीरो, एंड एक इनहेरेंट सेंस ऑफ पर्पज और नोबेलिटी जो कप्तान ने दिखाई थी इस ऑर्डील में, वो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। मिश्रा जी, जिस तरह सस्ता आपके अभिनय में आती है, लगता है किरदार नहीं, मतलब आपने एक किरदार ही नज़र आता, वो उसका मूल मंत्र क्या है उस चीज़ का? एक्चुअली तो मुझे भी जानना है जी सर, हम सबके लिए, मैं सोच रहा था क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि मन से नहीं कर रहे क्या। मिश्रा जी से मुलाकात होती नहीं है बहुत, मतलब नहीं ही होती है मुलाकात बहुत कम मिलते हैं आप डायरेक्टर को ट्रस्ट करते हैं, टेक्स्ट को ट्रस्ट करते हैं, को एक्टर्स को ट्रस्ट करते हैं बस। पत्रलेखा जी, उस घटना के बारे में तो आपने सुना होगा, उस वक्त काफी चर्चा थी, तो उसके बाद काफी लगा कि प्लेन में बैठना थोड़ा डर लग रहा था उस घटना के बाद? नहीं, तब तो मैं बहुत ही छोटी थी, पर जब हम शूट कर रहे थे तब सर ने बहुत अलग वातावरण बना दिया था,
अच्छा ये शूट करने के बाद मुझे डर लगा प्लेन में बैठने के लिए. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत सारे लोग थे फ्लाइट के अंदर और सर ने कुछ वातावरण ही तो बोलते हैं ना सर. मैं इतना इंप्रेस पीछे ऐसा किया मैंने. अच्छा बताइए. ही इज मेल्टिंग. हां मैंने का पत्र लिखा ने वातावरण बोल दिया. तो ऑनेस्टली काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक था. जो सीन्स हम कर रहे थे वो भी पर्सनली काफी डिफिकल्ट था. तो आई थिंक उसके बाद मुझे डर लगा. नॉट व्हेन आई वाज क्या कठिनाइयां क्या आईं क्यों डिफिकल्ट लग रहा था. क्या होता है कि सारी बिकॉज ऑब्वियसली द टैंक्स आर नॉट गेटिंग क्लीन तो टॉयलेट्स चोक अप हो रहे थे इनसाइड द एयरक्राफ्ट एंड वो बाहर आ रहा था सब. आई डोंट नो व्हाई बट वो वहाँ पे जाके लोगों को वहाँ पे रिएक्ट करते हुए देख के वो मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगा था जस्ट टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन. और सर ने भी आसान तो नहीं बनाएंगे किसी के लिए कुछ भी. सो क्वाइट डिफिकल्ट सर के साथ काम करके ना. सर बोलते हैं नहीं नहीं चलो चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा आपको भी लगता है हो ही जाएगा बट वो जब आपको वहाँ पे छोड़ते हैं देन ही एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ हिज एक्टर्स हिज टेक्नीशियंस. और उस खेल खेल में ना कुछ बहुत बड़ा ही हो जाता है. ये मुझे लगा सर के साथ काम करके. दिया जी सिन्हा साहब के साथ काफ़ी आप काम करती रहती हैं तो भीड़ के समय ही डिसाइड हो गया था. सर ने बताया था कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है करेंगे इसमें. नहीं उनको भी नहीं पता था. अच्छा अच्छा उसमें नहीं. मैं मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता है. मैं बहुत सालों से जानती हूँ उनको. और हम दोनों 12-12 साल के थे. हाँ हम दोनों बच्चे थे जी जी साथ में बड़े हुए हैं. मैं बहुत खुश हूँ कि ये एयरक्राफ्ट के बाहर इन्होंने बाहर आने का सोचा क्योंकि इसलिए मुझे मौका मिला इसका हिस्सा बनने का इस कहानी का. एंड ये जो भी किरदार मेरे पास लाते हैं मुझे इतने खूबसूरत और बहुत आई थिंक एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट ही होता है व्हेन यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ पार्ट दैट्स इंटेलिजेंट थिंकिंग. तो जब ऐसा लिखा जाता है किसी औरत के लिए तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके बारे में लोग सोचते हैं उस किरदार के लिए. सिन्हा साहब शूटिंग रियल लोकेशन पे कितना हुआ और बाकी सेट पे किस तरह से हुई थोड़ा वो बताएं सर उसके बारे में. मतलब रियल बोले तो कांधार तो नहीं गए. हाँ. एक्चुअली नहीं बताना चाहिए क्या है ना फिल्म हाँ. का जो एक हाँ, फिल्म का जो एक एनिग्मा है ना उसका जो एक तिलिस्म है वो बरकरार रहना चाहिए कि हमने कैसे किया आपको ना ही पता चले. लेकिन अगर मैं आपको फिर भी इसका जवाब पूरी ईमानदारी से देना चाहूँ तो रियल लोकेशन तकरीबन 50% से ज्यादा है. लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगी एक बात को यहाँ पर. ये जिस तरह से माहौल बनाते हैं आई थिंक इवन पत्रा वाज ट्राइंग टू स्पीक अबाउट दैट कि वो इतना रियल हो जाता है. बिल्कुल. चाहे वो बैकग्राउंड एक्टिविटी हो फोरग्राउंड एक्टिविटी हो जस्ट द एनवायरमेंट वो इतना रियल हो जाता है कि आपका जो आइडिया है कि आप कोई रोल निभा रहे हैं वो सस्पेंड हो जाता है और वो फिर ऐसे लगता है कि रियल लाइफ में हो रहा है. बिल्कुल. फिर आपका जो रिस्पांस है वो रिएक्शन नहीं है वो रिस्पांस है. फिर आप हर चीज़ से जस्ट एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो वो आई थिंक सबसे खूबसूरती है बड़ी खूबसूरती है इनके स्टोरी टेलिंग की. और इनके ऑफकोर्स बहुत ड्यू क्रेडिट जाता है पूरे क्रू को जो साथ में मिल के ये अचीव कर पाते हैं वातावरण बनाते हैं. जिस तरह से शूटिंग किया गया है मतलब काफी हैरान करने वाली बात है. उसमें सर सावधानियां कितनी बरतनी पड़ती रही होगी. यार मैं मोस्टली दोस्तों के साथ काम करता हूं या जैसे किसी से पहली बार भी अगर काम करने जा रहा हूं तो मिलता हूं तो आधा ध्यान तो मेरा इस बात पे रहता है कि ये अपना काम कितना अच्छा जानता है और उतना ही ध्यान रहता है कि इसके साथ काम करने में मजा आएगा कि नहीं. क्योंकि क्या है कि अगर सेट पे आनंद नहीं आ रहा ट्रस्ट नहीं है तो ना विजय अच्छा काम कर पाएगा ना मैं अच्छा काम कर पाऊंगा. बिल्कुल. अरे मैं चाहता था एक वाइड शॉट लगे. हाँ एक लॉन्ग शॉट तो लगे. मेरी प्रॉब्लम अलग थी. लगा था आपको दिखा नहीं वो हम देख रहे थे. तो उसके बाद फिर सावधानियां अगर कर रहे हैं ना तो फिर कहानी और फिल्म और मीडियम उसके साथ इंटरेक्शन करने में वो प्योरिटी नहीं रहती. तो नहीं मेरे को मुझे कोई सावधानी वावधानी कुछ नहीं. मैं थोड़ा सा जब वो जो CMG जो आपने देखा है तो आपको पता है उसकी शूटिंग में मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि अलग अलग स्टैंडिंग के लोग थे कि ये लोग आज के समय के बड़े अभिनेता हैं नसीर भाई पंकज भाई
और बहुत पहले समय के हैं, अरविंद स्वामी कहीं बीच के हैं, सब अपने अपने समय के दिग्गज हैं। बिल्कुल। तो वो पूरी पूरा वातावरण कैसा बनेगा वो मुझे उसको लेके मैं थोड़ा सा चिंतित था, लेकिन वो शूटिंग के एक दिन पहले मैंने सबको बुलाया था सेट पे और ऐसी बातचीत, जो वो सीन्स में नहीं थे उनको भी बुलाया गया। आओ देखो, हिस्ट्री इज बीइंग मेड, कम से कम ट्रिब्यूट देने आओ। आओ इधर मत्था टेक कर जाओ कि तो बहुत सारे मेरे दोस्त जो है वो चुपके से आते थे। एक दिन तापसी आ गई, किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा। वो आई कोने में बैठ के एक घंटा शूटिंग देख के भाग गई। तो वो मजा आना चाहिए यार, काम अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ट्रस्ट होना चाहिए। जो कुमुद ने बोली बात वो बहुत कमाल की बात है कि अगर आप मीडियम पे ट्रस्ट करते हैं, आप टेक्स्ट पे ट्रस्ट करते हैं, आप को एक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो काम हो जाता है। जी जी, समय सीमा समाप्त हो रही है जो है। एक एक आप सभी से जानना चाहूँगा, शूटिंग दौरान कोई दिलचस्प किस्से एक एक शेयर करना चाहें। विजय जी से शुरू करते हैं। एक मेरा सीन है जो प्लेन के बेली में जहाँ पर लगेज होल्ड होता है, वो ऐसे खुलता था तो ऐसे इतनी आवाज़ करता था, सब लोग कान बंद करके फिर उसके अंदर जाते थे, बहुत कम लोग उसके अंदर घुस सकते थे। बड़ी तुम्हारी फ्लाइट थी उस दिन? करेक्ट, और मेरी फ्लाइट थी। कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं था, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? आप मस्ट बी अ रीजन व्हाई यू स्टार्टेड टू आई नो आई फॉरगॉट नाउ। तो इसको हैदराबादी में बता दो तुम। हां, तो हम लोग खोले उधर, तो क्या हुआ करके इतना बम बम मार रहा उधर, आवाज आ कर रहा, डबल साउंड मार रहा। तो वो जितनी बार मैं कट बोलता था और ये बोलता था कि वन मोर, तो वन मोर का मतलब होता था कि अभी आधा घंटा और लगेगा। और बीच में कभी भी वो, क्योंकि जॉर्डन में हम लोग शूट कर रहे थे, तो आर्मी कभी भी आके बोलती थी कि अभी आप आउट, दो घंटे शूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आर्मी का ड्रिल चल रहा है, बुलेटें उड़ेंगी यहाँ पर। तो फिर बैठ जाते थे सारे। ये वन टेक वाले हैं, ये एक्टर भले वन टेक का नहीं हो, डायरेक्टर वन टेक है। मेरी याददाश्त बहुत खराब है, लेकिन मुझे बस एक मोमेंट बता सकता हूँ कि आप उस रूम में आप शूट करते हैं और सडनली आप एक अभिनेता के साथ आप तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही शॉट होता है और वो कुछ करता है और आप उस क्षण के लिए अपने आप को भूल जाते हैं और आप सिर्फ उसको देखते रहते हैं ऑ में कि ये क्या हो गया है। एक ऐसा मोमेंट आया था, मैं अभिनेता का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि वो बहुत पर्सनल है। वो कुछ कर रहे थे, रिहर्सल जब चल रही है और मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑ में हूँ, तो मैं उनको देख रहा हूँ कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं और फिर अपना भी करना है। एंड सडनली उन्होंने कुछ जैसे एक्शन हुआ और उन्होंने जिस तरह से किया और मैं भूल गया कि मैं वहाँ, मैं उनको देख रहा हूँ, उनका मैंने कहा ओह मैं भी तो हूँ। मुझे भी एक्टिंग करनी है। तो वो ये अद्भुत ऑटो बॉडी, ये मोमेंट्स ऐसे ही टीम के साथ मिल पाते हैं। और वो आप, मैं तो एक घटना बता रहा हूँ, असल में ऐसे बहुत सारे। जी जी, पत्र लिखाई भी बता चुकी हैं, फिर भी कुछ बताना चाहें आप, फिर दिया जी बताएंगी। ही वाज सो एक्टिव, हमसे भी ज़्यादा एक्टिव थे। मतलब जो विजय बेली की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट काफ़ी सारे स्टेयर्स थे, लैडर था उस पे चढ़ने के लिए। तो जब भी विजय का कट होता था, मैं भी थी उस दिन वहाँ पे, तो सर भाग के जाते थे और वो जो क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस थे ना, काफ़ी डिफिकल्ट थे, और सर भाग के जाते थे, फिर वो चढ़ते थे लैडर। मुझे लगा यार इतना एक्टिव डायरेक्टर तो मैंने नहीं देखा, बट आई फील दैट्स व्हाट सर डज, लाइक पुल्स एवरीवन इन इट टुगेदर। जी समझी, तुमने कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। वो ही सोच रही है ना। हाँ, कभी बोला ही नहीं तुमने। देखो बिच्ची ने पहली बार काम किया, उसने तारीफ कर दी। तुम मुझे 6 साल से जानती हो, मेरे पूरे पहले के इंटरव्यूज खोल के देखने पड़ेंगे फिर से सबको, क्योंकि जितनी तारीफ मैं इनकी करती हूँ। नहीं नहीं करती तारीफ। आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था जो तालमेल अमृता के साथ था, मेरा पूरी के साथ। यू नो, दो औरतों का ये जो बैक एंड फोर्थ है, बहुत इंटरेस्टिंग था। और जिस तरह से लिखा हुआ अच्छा है, बड़ा अच्छा सीन, बिल्कुल। और जिस तरह से हमको मतलब एक माहौल मिला उसको, यू नो, एनैक्ट करने का वातावरण, बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। हर शॉट के बाद ऐसे लगता था कि कुछ अच्छा किया है, कुछ मजा आया है। आई थिंक अनुभव के साथ काम करने में सबसे ज्यादा मजा इस बात का आता है कि यू आर रिस्पेक्टेड, यू आर गिवन योर स्पेस, एंड देयर इज अ डिग्निटी in the job that you're doing, and that is precious. और ये सबको नहीं आता। बिल्कुल। उम्मीद एक्टर्स की यही रहती है कि सबको ये
मतलब आए करना ऐसे ऐसे काम करवाना, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की समझ है जो इनमें है. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको किसी ने नहीं दिया. ओके थैंक यू. और तुम स्टार हो सिन्हा साहब. एक आखिरी सवाल मंगो से जो है जी. सुना कुछ रामन जैसा कुछ प्लान कर रहे हैं जो जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी बेस्ड फिल्म थी. हाँ VFX की फिल्में कुछ कर रहा हूँ. हाँ. अब मैं थोड़ा सा ऐसा राजनीति भी करूँगा लेकिन अब मैं बड़ी फिल्में बनाऊँगा.